हमने लास्ट टाइम बात की थी रोटेटर कफ इंजरीज की, उसको क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसको डायग्नोज किया जाता है और क्या उसके अंदर हमारे क्लिनिकल टेस्ट होते हैं और कब आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना होता है। आज हम उसकी बात करेंगे मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की, रोटेटर कफ टीयर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर मनपाल सिंह नरूला। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पाइन जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ अपोलो क्लिनिक और सिटी हॉस्पिटल सेक्टर 8। तो पहला क्वेश्चन यही है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की कब जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पेन बहुत एक्यूट है, जो एक हफ्ते के रेस्ट के साथ और आपके नॉर्मल पेन किलर से नहीं जा रहा, या आपकी पेन बहुत सिवियर जो आर्म के अंदर जा रही है, या आपकी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई है जिसमें आप कुछ भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, आपके मसल बहुत वीक हो गए हैं, तो इन कंडीशंस में आप ज़रूर अपने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करें और वो आपको इसका ट्रीटमेंट और डिफरेंट प्लान्स ऑफ मैनेजमेंट बताएंगे। तो जो रोटेटर कफ का ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का है, एक्यूट इंजरी है, ओवर यूज रेपिटेटिव यूज इंजरी है कि डीजनरेटिव टियर है। एक एक्यूट इंजरी में नॉर्मली हम रेस्ट, इनिशियल पीरियड ऑफ रेस्ट रिकमेंड करते हैं, जिसमें हम आर्म को कहते हैं एक स्लिंग के अंदर रखने के लिए 4 to 6 weeks। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई एक्यूट इंजरी हुई है, 4 to 6 weeks ऑफ रेस्ट इन अ स्लिंग इज रिकमेंडेड। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज फिजियोथेरेपी। व्हेन आई से फिजियोथेरेपी का मेरा मतलब है एक्सरसाइज जो आपके इस मसल्स को स्टेबलाइज करता है, आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स को बढ़ाता है। फिर कुछ खास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको कराएंगे, जिसमें वो असिस्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइजेस के लिए। कुछ थेराबैंड होती हैं, इलास्टिक बैंड्स के साथ एक्सरसाइज होती हैं। तो फिजिकल थेरेपी एंड स्ट्रेचिंग रिमेन्स अ बैकबोन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर दीज रोटेटर कफ टीयर्स और मोस्ट ऑफ द पीपल रिस्पॉन्ड टू दिस। फिर हम आइस पैक्स या हीट, डिपेंडिंग ऑन वो एक्यूट है कि क्रॉनिक, उससे स्वेलिंग और पेन कम हो जाती है। फोर्थ ऑप्शन ऑफकोर्स इज इंजेक्शन। इंजेक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। एक स्टेरॉयड कॉर्टिसोन इंजेक्शन होता है जो हम शोल्डर जॉइंट में लगाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। इससे इन्फ्लेमेशन और पेन कम हो जाती है, ताकि आप इसको एक्सरसाइज के साथ ठीक कर सकते हैं। और 80% लोगों को इंजेक्शन के अंदर 2-3 महीने के लिए आराम आ जाता है। और ऑफकोर्स एक लास्ट ट्रीटमेंट है जो सर्जिकल ऑप्शन, जो आपका डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपके कुछ महीने तक आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया है, जिसमें हम पेन किलर्स भी देते हैं और इंजेक्शन भी लगाते हैं, और कुछ खास इंडिकेशंस होती हैं जिसमें फिर हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सो व्हेन विल योर डॉक्टर रिकमेंड अ सर्जरी? प्लीज़ रिमेंबर, 80% पीपल ऑफ रोटेटर कफ टीयर्स डू नॉट रिक्वायर सर्जरी। ऑल्दो ये जो रोटेटर कफ टीयर्स है, मेरे से आम पूछा जाता है कि ये हील हो जाते हैं। रोटेटर कफ टीयर्स, ये रोटेटर कफ जो टेंडन्स होते हैं, इनके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो ये मोस्टली अपने आप हील नहीं होते अनलेस ये बहुत ही छोटे टीयर्स हों। बट फिर भी फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज से 80% पेशेंट रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। सो ओनली 20% रिक्वायर सर्जरी। सो व्हेन डू यू रिक्वायर सर्जरी? अगर आपका 6 months तक जो आपने फिजिकल थेरेपी और मेडिसिन और ट्रीटमेंट किया है, उससे अगर आपको रिस्पॉन्स ना आए, तब हम सर्जरी कहते हैं। या आपकी सिवियर लिमिटेशन है, जो आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, या आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं जिसमें वो मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स अगर एक एक्यूट इंजरी है, जैसे कि अगर बहुत बड़ा टीयर है, एकदम से गिरे हैं और एक्सीडेंट में वो टीयर एक्यूट हुआ है, सो दीज केसेस द सर्जरी इज़ रिकमेंडेड। प्लीज़ रिमेंबर, सर्जरी इज़ मोर सक्सेसफुल इन एक्यूट टीयर्स, जो बड़े टीयर्स हैं, रादर देन इन क्रॉनिक डीजनरेटिव टीयर्स। तो सर्जिकल ऑप्शन क्या क्या होता है? इसमें आजकल हम एक पिन होल इंसिजन से, आर्थ्रोस्कोपी से, छोटे इंसिजन से ये सर्जरी करते हैं। इस सर्जरी में, जैसे मैंने बताया, रोटेटर कफ होता क्या है, टीयर्स जो मसल्स बोन के साथ अटैच हैं, वो पोर्शन टीयर हो जाता है, तो हम उसको रीअटैच करते हैं। जो टीयर हो गया, हम उसको रीअटैच करते हैं, खासकर जो बड़े टीयर्स में। यंग पेशेंट्स में अगर मेजर टीयर है और एक रीसेंट इंजरी है, उसमें सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो क्रॉनिक डीजनरेटिव टीयर्स हैं, स्पेशली इन एल्डरली पीपल, उसमें सर्जरी के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, तभी हम पहले फिजियोथेरेपी और इंजेक्शन से कोशिश करते हैं। बट इन फ्यू केसेस हम, वैसे जहाँ पे हम उसको रिपेयर नहीं कर पाते, हम डिब्राइडमेंट एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं, जिसमें उसके जो छोटे मोटे फ्रेइंग हुई है टेंडन्स के जो पीसेज हैं, उनको हम डिब्राइड करते हैं। सो सर्जिकल ऑप्शन इज ओनली रिकमेंडेड इफ़ यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू रीजनेबल, लेट्स से 6 months ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिव, और इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल एथलीट एंड हु रिक्वायर्स दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इन हिज डेली एक्टिविटीज। सो वॉट इज़ द प्रोग्नोसिस आफ्टर सर्जरी एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक? सर्जरी के बाद कितनी देर तक के बाद हम लोग अपना मूवमेंट रिकवर कर लेते हैं? जैसे मैंने बताया, ये मोस्टली प्रोफेशनल एथलीट्स में करने की ज़रूरत पड़ती है, यंग एडल्ट्स में। तो पूरा ये सर्जरी के बाद 3 to 6 months, आजकल जैसे बहुत छोटे इंसिजन से किया जाता है, सो पोस्ट ऑफ रिकवरी इज़ वेरी नाइस।
थ्री टू सिक्स मंथ्स में मोस्टली ये इंजरी अच्छे से हील हो जाती है, जो सपोज सर्जरी हमारे ट्रीटमेंट, पर इसको अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, अगर स्पोर्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो 6 से 12 महीने लग जाते हैं उसकी पावर को वापस आने में। पर इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर हमने एक्यूट इंजरी में किया और एक यंग एडल्ट में, तो 6 से 12 महीने में दे कैन गो बैक टू देयर गेम्स। बट इनिशियल 3 to 6 months आफ्टर सर्जरी यू नीड गुड फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, रोटेटर कफ इंजरीज जैसे मैंने बताया है बहुत कॉमन और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रिक्वायर सर्जरी, पर अगर आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी देर से है तो अपने डॉक्टर के पास जरूर कंसल्ट करिए, एंड मोस्टली सर्जरी के बिना ठीक हो जाता है। बट येस, डू नॉट ट्रीट योर सेल्फ, एंड देर इज अ लॉट ऑफ एम्फोसिस एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी रेगुलर करिए। थैंक यू वेरी मच।